हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम से चटनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। उसके लिए हमने दो कच्चे आम लिए, अलग अलग साइज के लिए। एक लंबा वाला लिया है, एक गोलाकार का। ये खट्टा ज्यादा है, ये थोड़ा नॉर्मल होता है। इनको सबसे पहले हम छील लेंगे। छील कर छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। हमने दोनों आम को छील लिया है, अब इसको बीच में से कट करेंगे और छोटे छोटे पीस करेंगे। इसी तरीके से इसको भी कट कर लेंगे। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अगर दो आमों को गोल और इसको मिलाकर बनाएंगे तो खट्टी भी ज़्यादा नहीं होती, गुड़ भी थोड़ा सा लगेगा इसमें खाने। गुड़ भी अगर इसमें थोड़ा सा लगेगा, अगर दो आमों को अलग अलग मिक्स करके चटनी बनाएंगे। ये गोल वाले आम होते हैं जो ज़्यादा खट्टे होते हैं। लीजिए, हमने सारी कैरी को काट लिया है। अब इसके लिए हम मसाला तैयार किया। लहसुन की कलियां काटी है, दो प्याज काटे हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, नमक स्वाद के अनुसार, पिसा हुआ हरा धनिया, पिसा स्वाद के अनुसार गुड़ डाला है इसमें हमने। आप चीनी भी ले सकते हैं, इसकी जगह गुड़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालते हैं प्याज और लहसुन को भी डाल देंगे। सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे इसे। प्याज और लहसुन फ्राई हो चुके हैं, अब डालते हैं इसमें कैरी को जो काटा था कच्चे आम। अब जो हमने मसाला लिया था उनको सारे को डाल देते हैं इसमें और मिक्स करते हैं। ये चटनी खाने में बड़ी चटपटी लगती है, एकदम पूरी या पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। आप रोटी या चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, टिफिन में ले जा सकते हैं, कहीं भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे भी मज़े से खाते हैं इसको। अब इसमें गुड़ डालते हैं और ऊपर फैला देते हैं गुड़ को, और इसमें ढक्कन लगा देते हैं, धीमी आँच करके छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं इसको। गुड़ हमारा कैरी मिक्स हो चुका है, जिसमें डालते हैं लगभग 2 बड़े चम्मच पानी और इसको फिर से एक बार ढककर रख देंगे। हमारी चटनी को एक बार फिर से चेक करते हैं, ये गल चुकी है। और अब गैस को कर देते हैं बंद और कढ़ाई को उतार लेते हैं, ठंडे होने के लिए रखते हैं थोड़ी। आप इस चटनी को ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। पर हम इसको ठंडी होने के बाद मिक्सी में थोड़ी पीस कर और फिर दोबारा से इसमें तड़का लगाएंगे। ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, एयर टाइट कंटेनर में भरकर। हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है, अब इसको डालते हैं मिक्सी के जार में और एकदम इसको बारीक पीसना है। लीजिए, हमने चटनी को पीस लिया है, अब कढ़ाई में डालते हैं तेल थोड़ा सा, 1/2 छोटा चम्मच। लीजिए, तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालते हैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा और एक कलौंजी सीड डालते हैं। हमारे यहाँ कलौंजी बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं इसको एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसको भूनने देते हैं, जीरा तड़क चुका है, अब चटनी को लीजिए। हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी तो होती है खाने में, साथ ही लू से भी बचाती है और विटामिन की भी अच्छी सी पूर्ति करती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। अभी कच्चे आमों का सीजन चल, मार्केट में कच्चे आमों की भरमार है। इस चटनी को आप बनाकर स्टोक करिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए। अगर आज आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।